अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू रेसिपी चिकन वेजिटेबल रोल, जिसे हम बनाएंगे घर की बनी हुई रोल पट्टी से, और वो भी आसान तरीके से और स्पेशल रमज़ान के हवाले से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हमने इसमें चॉप अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको अच्छे से आपने इसको ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल्ड चिकन। ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से सॉटे करना है। सॉटे करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च डालने के बाद हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है, और उसके बाद फिर हम इसमें सारी सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गाजर। गाजर डालने के बाद हम सॉटे करने के बाद हम इसमें सारी सब्जियां ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे, ऑयल में फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं बंद गोभी। बंद गोभी डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करना है, सॉटे करना है, और सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है ताकि उनका जो कलर है वो चेंज ना हो। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। वो आपकी मर्ज़ी है, आप केचप डालें, सॉस डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद डालने के बाद हमने इसको अच्छे से कुक करना है। इसके बाद हमने इसको इतना पकाना है कि सारी सब्जियों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और वो अच्छे से पक जाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। इसके बाद उसको फिर आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसको आपने रख देना है साइड। देखें व्यूवर्स, इसका जो पानी है वो पूरे तरीके से खुश्क हो चुका है। ये देखें, ये पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम पट्टी बनाने के लिए एक बाउल लेंगे। इसमें हम एक अदद अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद हम इसमें लेंगे एक चम्मच चीनी, एक चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल डालकर हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड इतना करना है कि अंडा पूरी तरीके से वो मिक्स हो जाए ऑयल में। उसके बाद आधा कप मैदा लेना है और आधा कप हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, और उसको आपने क्या करना है, अच्छे से उसको स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक कप पानी, और उसके बाद फिर आधा कप पानी हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे से इसका मिक्सचर बना लेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपने। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। आपने बैटर को इतना रखना है कि ये ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। अब ये देखें, ये हमने लाइन ड्रॉ की है। अगर ये नहीं फैल रहा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पैन में ऑयल बिल्कुल भी ना हो, और आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है, और जब बैटर डालने के बाद इसको अच्छे से फैला लें, और फैलाने के बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है। बात का ख्याल रखना है व्यूवर्स कि जब तक एक साइड नहीं पकेगी आपने इसको हिलाना नहीं है। जब ये कुक हो जाएगी फिर आपने इसकी ये देखें एक साइड हो गई है। अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें व्यूवर्स, कितनी अच्छी पट्टी बनकर तैयार हो गई है, कुल बाजार जैसी। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद आपने इसको कवर करना है और बंद इसको आपने करना है। क्या करना है, एक बाउल में आपने पानी लेना है और मैदा लेना है, उनका मिक्सचर बना के ये देखिए, ये फिंगर के साथ लगाना है, और इसको आपने यहाँ रोल कर देना है, और ये देखेंगे इसको बंद कर देना है। ये बहुत अच्छे तरीके से बनी है और बिल्कुल बाजार जैसे रोल की तरह बनकर तैयार हो गई। अब हमने ऑयल लेना है, ऑयल में हमने इनको फ्राई करना है, अच्छे से कुक कर लेना है। अब ये देखें इसका कलर कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया। व्यूअर्स देखें ज़रा, ये कितनी प्यारी, बाजार से हज़ार गुना अच्छी बनकर ये देखें ये तैयार हो गई है। ऊपर से भी पक चुकी है और अंदर से भी देखें कितने अच्छे तरीके से कुक हो गई है। ये देखें ज़रा, ये कितना प्यारा इसका टेक्स्चर है,
ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।